हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक इंडक्शन कुकर के बारे में, जो इंडक्शन कुकर का जो बेसिक प्रॉब्लम है उसका बारे में। मेरे पास एक अभी उषा का एक इंडक्शन कुकर है, तो इसका एक अभी प्रॉब्लम है। जैसे मैं उसको प्लग इन करके ऑन कर रहा हूँ, तो आपका टाइम बचाने के लिए मैं पहले इसका स्क्रू खोल के रखा हूँ ऑलरेडी। तो जो देख रहे हैं एकदम हालात उसका बहुत ख़राब है, कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ, एकदम गंदगी पूरा भरा है। तो ये आपका कूलिंग फैन, आपका एक कॉयल है और नीचे है मदरबोर्ड है। तो पहले कॉइल को रिमूव कर लेते हैं और मदरबोर्ड में देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है। इंडक्शन ओवन का जो बेसिक तो कॉमन जो दो तीन प्रॉब्लम आता है इसमें, ये फिल्टर कैपेसिटर, ये दोनों बहुत ही ख़राब होता है। और पीछे में एक IGBT है और एक रेक्टिफायर है, अंदर में आपको दिख रहा है ये एक रेक्टिफायर है। ये तीनों चीज़ सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। तो अभी पूरा शॉर्ट हो रहा है, तो क्या है चेक करने के लिए, ये जो कंपोनेंट्स है IGBT और रेक्टिफायर को, ये सर्किट में अगर लगा रहेगा तो आप प्रॉपर चेक नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से। तो इसको हमको रिमूव करना है सर्किट से, उसको निकाल के ही चेक करना बेटर रहता है। मल्टीमीटर से आप ऐसे जब सर्किट के साथ जुड़ा रहेगा 100% आप श्योर नहीं हो पाएंगे खराब है कि सही है। तो उसको निकाल के हम लोग चेक करेंगे, इसको रिमूव कर लेते हैं। मैं दोनों कंपोनेंट्स को निकल लिया हूँ, तो इसको रखते हैं। पहले हम रेक्टिफायर को चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर को डायरेक्ट मोड में लगा लिए। तो बीच का जो है ये दोनों AC है और आउटसाइड में जो है ये पॉजिटिव है नेगेटिव। तो एक दो दो टर्मिनल पहले चेक करते हैं। अब देखिए कुछ नहीं आ रहा है, जीरो है, बाकी का ये भी जीरो है। अभी उसको पोलैरिटी चेंज करके चेक करेंगे, प्लस माइनस अभी चेंज करके चेक करेंगे। अरे 0.401 वैल्यू आ रहा है। दूसरा का चेक करते हैं, अभी ये भी वैल्यू आ रहा है। तो रेक्टिफायर मेरा ठीक है। जैसे हम उसका पोलैरिटी चेंज करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो अभी दूसरा साइड से कुछ नहीं आना चाहिए। ऐसे डायोड का जैसे चेक करता है, ये भी डायोड टाइप का ही है, एक साइड आएगा जैसे चेंज, मतलब हम पोलैरिटी चेंज करेंगे तो दूसरा साइड नहीं आएगा। तो ये मेरा रेक्टिफायर 100% ओके है। तो अब IGBT को चेक करते हैं। अब IGBT को चेक करेंगे। IGBT क्या आपका राइट साइड में जो है एमीटर और बीच में कलेक्टर और गेट। तो गेट कलेक्टर एमीटर किसी के साथ आपको कोई टर्मिनल के साथ कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे तो पीप नहीं आना चाहिए। और कलेक्टर और एमीटर के बीच में अब जैसे पोलैरिटी चेंज करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, पीप नहीं आएंगे। चलिए उसको चेक करते हैं। और ऑलरेडी एक वीडियो है IGBT कैसे मल्टीमीटर से टेस्ट करता है, उसका लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, आप चाहे तो उसको जाके भी देख सकते हैं।
तो गेट और कलेक्टर कलेक्टर के साथ पहले देखता हूँ। गेट और कलेक्टर के साथ देखिए बीप आ रहा है, कंटिन्यूटी आ रहा है, शॉर्ट हो गया। दूसरे का देखते हैं, इसका नहीं आ रहा है। गेटर एमिटर में कुछ वैल्यू आ रहा है, लेकिन आपका सॉरी एमिटर और कलेक्टर में कुछ वैल्यू आ रहा है, लेकिन गेट के साथ कलेक्टर शॉर्ट हो गया, हमारा आईजीबीटी ये खराब हो गया। ठीक है, चलिए एक नया आईजीबीटी देखते हैं। नया आईजीबीटी को अब देखो दिखा देता हूँ, इसको भी चेक कर लेते हैं सर्किट्स को लगाने से पहले। एक गेट है और बीच का है कलेक्टर। अब देखिए इसका देखिए कुछ नहीं आ रहा है, और कलेक्टर एमिटर के बीच में अभी कुछ नहीं आ रहा है। जैसे हम पोलैरिटी चेंज करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, अगर ये सही है तो। अब देखिए वो वैल्यू आ रहा है 189। ठीक है, इसको हम आईजीबीटी को चेंज करके नया आईजीबीटी लगा के आपको चेक करके दिखाते हैं। चलिए इसको अब सर्किट के साथ माउंट करता है आईजीबीटी को। इसको दोबारा असेंबल कर दिया हूँ, अभी पावर देकर उसको चेक करते हैं क्या कंडीशन है। ठीक है, अभी ऑन हो गए, बर्तन बैठे थे। इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम आए, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, फ्यूज उड़ गया या एमसीबी ड्रॉप हो गया, तो सीधा आप आईजीबीटी और रेक्टिफायर में आपको चेक करना है। ये दोनों चीज़ में कोई अगर शॉर्ट होता है ना तो भी सीधा फ्यूज उड़ा देता है या आपका एमसीबी डाउन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू इतना तक वीडियो देखने के लिए।